मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 20 वर्षीय मजदूर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपने मोबाइल फोन पर बड़ी संख्या में कॉल से तंग आकर पुलिस से संपर्क किया और तकलीफ बताई है। अभिनेता सुशांत की आत्महत्या के बाद मजदूर को रोजाना कई कॉल आ रहे हैं। कुछ लोगों को यह एहसास होने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया कि यह एक रॉन्ग नंबर है। कई लोगों ने इसे अंकिता लोखंडे का नंबर समझकर दूसरों ने सुशांत मुद्दे पर अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर डाली। बता दें कि अंकिता लोखंडे इंदौर की रहने वाली है। ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ कई साल तक रिलेशनशिप में रही थी। मामले में इंदौर साइबर सेल में इंदौर के रहने वाले युवक ने शिकायत दर्ज करवाई है। फेसबुक पर अंकिता लोखंडे के नाम से एक पेज बनाया गया है। पेज पर अंकिता का फोटो भी है। इस पेज पर अधिकृत रूप से इंदौर के युवक का मोबाइल नंबर डाला हुआ है, जहां एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद युवक को ज्यादा ही संख्या में कॉल आ रहे हैं, जिससे युवक परेशान हो रहा है, जिससे युवक ने इंदौर साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। इंदौर निवासी एक युवक ने राज्य साइबर सेल के इंदौर कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसका कहना है कि एक फेसबुक पर पेज बना है, जो कि अंकिता लोखंडे जो एक अदाकारा हैं उनके नाम से वो फेसबुक पेज है, जिसमें अंकिता लोखंडे का फोटो भी है और उस पेज के हजारों फॉलोअर्स हैं। उस पर अनधिकृत रूप से उसका मोबाइल नंबर डला हुआ है, उस युवक का मोबाइल नंबर डला हुआ है, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद उसको काफ़ी संख्या में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उसका हरासमेंट उस पर हो रहा है। ये शिकायत उसने दर्ज कराई है। शिकायत के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। वो शिकायत में ये तथ्य देखा जा रहा है कि क्या वो जो फेसबुक पेज है अंकिता लोखंडे का, क्या वो फेक पेज है और क्या किसी ने शरारत के तौर पर इस युवक का मोबाइल नंबर उस पर डाला है। फेसबुक से भी जानकारी मांगी जा रही है कि उस फेस को कौन चला रहा है, और जानकारी की पुष्टि होने के पश्चात उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।